जी बिल्कुल, एक इतहाई अफसोसनाक वाकया थानागंज मंडी की दो चार नंबर चौकी में पेश आया, जहां पर ट्रैफिक वार्डन की गला कटी लाश बरामद हुई है। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद इसहाक मोरों की तकलीफ के बाइस पिछले 6 माह से मेडिकल रेस्ट पे था, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जान पर ना हो सका। ट्रैफिक वार्डन की हमशीरा ने होली फैमिली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर बर्बाद से इमदाद ना देने का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर और ट्रैफिक वार्डन के उत्साह के दरमियान हाथापाई भी हुई, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया की तरफ से पुलिस को तलब किया गया। ट्रैफिक वार्डन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएच के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ, जबकि पुलिस हुकाम ने वाकई को खुदकुशी करार दे दिया और पंजाब फॉरेंसिक लैब को शवाहद फराहम कर दिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि लैब की रिपोर्ट के बाद मालूम होगा कि वाकया खुदकुशी का है या कत्ल, ताहम इब्तदाई तौर पर वाकये को खुदकुशी करार दे दिया गया है। जी बड़ा जल्दी है दादा, रेड पानी इस स्टेज पे शिफ्ट कर सो। सर